कहानी उस समय की है जब 11वीं सदी के शुरुआती दौर में भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण हो रहे थे। तब उसकी सेना में अन्य बंदियों के साथ अल बरूनी भी था, जो भारतीय विद्या का अद्भुत जानकार था। अल बरूनी असल में मध्य एशिया के खीवा साम्राज्य, जो आज की डेट में उज्बेकिस्तान का एक हिस्सा है, वहां मंत्री था। जब महमूद ने 1017 ईस्वी में खीवा के बादशाह को पराजित किया तो उसने बादशाह के साथ साथ उसके मंत्री अल बरूनी को भी बंदी बना लिया। अल बरूनी पहले से ही हिंदुस्तान के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन मनन कर उनकी संस्कृति को नजदीक से जानने की कोशिश कर रहा था। यह विचित्र संयोग था कि एक तरफ जहां महमूद गजनवी हिंदू संस्कृति को नष्ट करने में लगा हुआ था, तो वहीं उसकी सेना के साथ कैदी के रूप में चल रहा अल बरूनी हिंदू साहित्य का अध्ययन करने के साथ साथ संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने में भी जुटा हुआ था। अल बरूनी की समस्या यह थी कि बंदी होने के कारण वह ना तो मनचाही जगह पर जा सकता था और ना मनचाहे लोगों से मिल सकता था। वह केवल गजनी के इलाके और पंजाब का भ्रमण ही कर पाया। सौभाग्य से उस जमाने में गजनी की कैदियों में हिंदुओं की तादाद काफी थी और उसे उनसे चर्चा करने का मौका मिला। भारत आने से पहले वह ब्रह्म सिद्धांत, खंड खाद्यक, पंचतंत्र और चरक संहिता के अरबी अनुवाद पढ़ चुका था। बाकी भारतीय साहित्य का अध्ययन उसने खुद भारत आकर किया। उसने इनमें से कई का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया और इस तरह अरब जगत को हिंदू संस्कृति के व्यापक संदर्भों से परिचित कराया। अल बरूनी ने कपिल के सांख्य, पतंजलि सूत्र, पौलतस्य सिद्धांत, वृत्त संहिता और लघु जातकम जैसे संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया। उसने भारतीय गणित, भारतीय दर्शन और विविध विषयों पर करीब 20 पुस्तकें लिखी। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है अल बरूनी का भारत, जो 11वीं सदी के भारत का आईना कही जा सकती है। इस असाधारण ग्रंथ में हमें भारत के प्राचीन दर्शन ग्रंथों, पुराणों, ज्योतिष ग्रंथों, रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों के अलावा प्रसिद्ध यूनानी पुस्तकों के भी उद्धरण मिले हैं। अल बरूनी अपनी इस पुस्तक में हिंदू जीवन के विभिन्न आयामों से संबंधित भारतीय ग्रंथों के उद्धरण देते हुए भारतीय जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। वह ईश्वर आत्मा से लेकर जाति, वर्ण और भारतीय खगोल शास्त्र से लेकर भारतीय कालगणना तक का वर्णन करता है। वह भारतीयों के ज्ञान की प्रशंसा करते नहीं थकता और उन्हें उत्तम दार्शनिक, गणितज्ञ और ज्योतिर्विद मानता है। अल बरूनी हिंदू संस्कृति का अनन्य प्रशंसक तो था, लेकिन अपनी समकालीन हिंदुओं की आलोचना भी करता था। वह कहता था, वे हिंदू जो कुछ जानते हैं उसे व्यक्तिगत थाती बनाकर रखना चाहते हैं। विदेशियों की बात तो दूर, वे अपने ही देश की अन्य जातियों के लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना नहीं चाहते, लेकिन हिंदुओं के पूर्वज वर्तमान पीढ़ी के समान संकुचित मनोवृत्ति वाले नहीं थे। जब 1030 में अल बरूनी ने यह पुस्तक समाप्त की, तब तक महमूद गजनवी की मृत्यु हो चुकी थी। इसके 18 साल बाद 1048 ईस्वी में भारतीय विद्या का यह महान विद्वान भी संसार से चला गया।